गोड जिला से मिलाया हाथ और दुश्मनों ने रची चाल, हमें टपकाने के लिए अपने टीममेट को भी टपका दिया, जबकि हम पूछ रहे थे उनसे उनका हाल। आज सब के सब पीछे पड़े, कभी केकड़े ने तो कभी गोड जिला ने टपकाया, इरेंगल की बोटनी भी देखती रह गई खड़ी होकर। हम हंसे या रोए भाई, कुछ भी समझ नहीं आया। रहे भाई तूफान उठा दे तूफान। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो, एक बात बोलू तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है भाई, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ भाई कि ऐसी वीडियो आज तक भाई मैंने कभी भी यूट्यूब पर नहीं डाली भाई, जैसी मैं आज डालने लग रहा हूँ। भाई किंचोरी से मत मारो, इसे जोर से आ गई है इसलिए ये चला गया। अभी ये भाई जो अभी थोड़ा सा बिजी हो गए थे दो मिनट के लिए, तो मैं इसे तो भाई एक बार छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे इस साइड से कुछ बंद हो गया, आवाज आने लग रही थी। तो आज किस गेम प्ले वीडियो में ना भाई मैं तीन बार टपकने वाला हूँ, और किसी भी गेम प्ले में ना भाई मैं बंदों से फाइट लेता हुआ नहीं टपका। वैसे भाई आज आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, और आपको ये बताना कि भाई आपको सबसे ज्यादा मजेदार सीन कौन से वाला लगा। बिच क्या? और चुन्नू भाई क्या हाल है? बिच क्या तू अपने टीममेट के साथ नहीं जाएगा तू? अब आते ही वही इस टीम की तो हमने ऐसी तैसी कर दी थी, ये जहाज से टपके और किलचोर के हाथों भटके। अभी से देखो ये बोटनी की बुआ का लड़का और आ गया भाई, पता नहीं कहां से इतनी अच्छी लूट लेकर आते हैं भाई। ये इसके पास ना बहुत ही मस्त लूट थी भाई, ये पूरे रेंगल को भी तबाह कर सकता था, तो भाई मैंने पूरे रेंगल को बचा लिया इसको टपका कर। अब आगे आया तो मुझे लेफ्ट से भाई किसी बंदे के मटकने की आवाज आई, तो सबसे पहले भाई इसी को टपका लेते हैं। और वैसे ना भाई मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं डालता जैसी आज डाल रहा हूँ, लेकिन भाई सोचा कि बहुत दिन हो गए यार, मतलब कुछ नया ट्राई करते हैं, और आपको मजा भी आएगा, क्योंकि भाई मैं किसी भी बंदे ने नहीं टपकाया, मतलब बंदों से फाइट लेता हुआ मैं बिल्कुल भी नहीं टपका। अब टपके कैसे हो देख कर तो भाई बिल्कुल मौज हो जाएगी, और साथ में भाई आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी बल्ले बल्ले कर देते हैं। तो आज ये नौ में भाई ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू कुन्नू पुन्नू और उसकी बुआ का लड़का आए थे भाई, तो इन सभी की पेटियां चमका कर हम यहाँ से निकल जाते हैं अपने टाटा सम्मो लेकर, और हम पहुंच जाते हैं भाई गोड जिला अंकल के पास। और आज ना भाई गोड जिला अंकल के इरादे भाई नेक नहीं लग रहे थे, ये देखो भाई ये भाई साहब जो आज गुस्से में था, इसने जो इसकी तो पेटी चमका दी थी। अब एक बार तो मैं दिलचोर भाई को बोलता हूँ कि इसके पास मत जाओ भाई, क्योंकि आज ना मैंने इसकी गर्लफ्रेंड के पास भाई गलती से मिस कॉल कर दी थी। अब दिलचोर भाई बोलते कि टेंशन मत लो तुम्हारे साथ मैं हूं ना, लेकिन इनको क्या पता भाई किसी बात की तो टेंशन है कि ये मेरे साथ है। अब यहाँ से निकलते हैं तो आगे एक बंदा दिखता है। बिच क्या बदतमीज लड़के घर में घुस जा किलचोर आया। तो इसकी तो भाई चमक गई पेटी। अब पीछे से एक बग्गी और जाती है भाई, तो मैं दिलचोर भाई से बोलता हूँ कि इसका पीछा करो। तो दिलचोर भाई तो जो भाई हैवी ड्राइवर निकले, वैसे यार ये सच में ना हैवी ड्राइवर है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यार मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके पास ना भाई सच में हैवी लाइसेंस है, जैसे हमारे पास नॉर्मल लाइसेंस होता है, इनके पास जो भाई हैवी लाइसेंस है, तो ये हैवी ड्राइवर है भाई रियल लाइफ में। अगर आपको नहीं यकीन तो भाई मैं कभी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाल दूंगा, लेकिन पहले आप ये देखो। अब मैंने पहले ही बोला था कि भैया आज जो मुझे गोड जिला अंकल के इरादे नेक नहीं लग रहे, तो भैया आज ये गुस्से में थे, मैंने तो बस एक मिस कॉल की थी भाई, उसके बदले में इसने हमारी पेटी चमका दी और इसकी केड्डी बढ़ गई भाई। वैसे सबसे ज्यादा केड्डी तो भाई इसी की मिलेगी और एक केकड़े की भाई, अगर नहीं यकीन तो आप ये देखना। ए भाई किलचोर टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, और केकड़ा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा भाई जब तुम निकलोगे पेटी चमकाने वाले बाबा की जय बोलकर। किलचोर नाम है अपना भाई, इरेंगल के हर कोने में मचाई है हमने तबाही।
अब यहाँ पर भाई एक बंदे को तो टपका दिया था, तो इसके टीममेट भी भाई आगे थे। मेरे पास हेलमेट वेस्ट नहीं था, तो सोचा कि भाई पहले थोड़ी बहुत लूट कर लेते, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है भाई, फिर इनकी पेटियां चमका लेंगे। तो अब यहाँ पर भाई मुझे थोड़ी सी और लूट मिल गई थी, और सामने बंदे थे भाई, और जब आगे ऐसे बंदे हो भाई और मेरे पास एक गन भी हो ना भाई, तो मेरे से नहीं रुका जाता भाई। भाई किलचोर तुम पेटियां चमकाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कर दो लाइक सब्सक्राइब के बटन पर भोकड़ता है और बोलो वाह भाई किलचोर क्या बात है। पेटी चमका दूं क्या? बोल ना, नाराज क्यों हो गया? अब यहाँ पर भाई हम दोनों की हेल्थ जो है बहुत ज्यादा कम थी, और एक बंदा और हमारे ऊपर टूट पड़ता भाई। माँ ये केकड़ा बहुत खराब है माँ, माँ मैं वापिस आ रहा हूँ, माँ मैं वापिस आ रहा हूँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। किलचोर नाम है अपना भाई, केकड़े ने हमारी पेटी चमकाई। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है बहुत ही बुरा हुआ, मैं बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर फंस गया था। बंदर जाने लग गया ना भाई, इतनी देर में इसने जो है अपना हाथ साफ कर लिया हमारे पर, और इसने भाई अपनी केडी बढ़ा ली, और वहां पर दिलचोर भाई भी टपक गए थे। तो ये मैच यहीं पर खत्म हो गया। वैसे भाई मैं इससे भी बुरे तरीके से फंस गया था भाई। आज मेरे आगे ना एक बोटनी आ गई थी, और वो टुचुक टुचुक करके फायर करने लग रही थी भाई। तो मैंने सोचा कि बोटनी ऐसे गोडजिला क्रिस्टल के साथ टपकाते हैं, और जैसे ही भाई मैं उसे गोडजिला क्रिस्टल के साथ टपकाने लग गया ना, उसने भाई ऑटो में फायर कर दी। फिर मैंने जब उसका नाम देखा तो लड़की थी भाई वो। फिर मुझे जो उससे कुछ सीखने को मिला कि रेंगल में हर बोटनी दिखने वाली बोटनी नहीं होती, मतलब लड़की भी हो सकती है भाई। वैसे तो लड़के भी करते हैं भाई ऐसी ऐसी हरकतें कभी कभी, लेकिन भाई उसने तो ना बिल्कुल आगे खड़ी होकर कर दी थी भाई ऐसी हरकत। अब वो गेम प्ले मेरे से भाई गलती से डिलीट हो गया, नहीं तो आपको दिखाता, फिर आपको भाई 10-15 हज़ार किलो मजा आ जाता। वैसे ये मैंने भाई सिर्फ आपको जो है बताया है, और मेरे साथ हुआ था ऐसा, तो ज़्यादा सीरियस मत लेना, जस्ट फॉर फन लेना भाई। अब ये भाई साहब जो है गलत कूद गया था भाई जहाज से, इसे यहाँ पर नहीं कूदना था, ना इसके पास मिलिट्री बेस का वीजा था। तो भाई इसकी तो पेटी चमक गई। अब यहाँ पर इनको टपकाने के बाद भाई हम जाते हैं सी बिल्डिंग की साइड, और यहाँ पर जो है पहले से ही लठ बजा हुआ था। अब यहाँ पर भाई मैंने एक बंदे का किल चोरी तो कर लिया था, लेकिन भाई ये ना सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई इस किल चोरी करने का बदला ये बंदा भाई इतने बुरे तरीके से लेने वाला है। आप भी देख कर ना भाई बिल्कुल पागल हो जाओगे, इतने खतरनाक टाइप का कैंपर था। तो किल फील्ड में पहले इसका नाम देखो भाई। अब यहाँ पर भाई ये तीन चुन्नू मुन्नू टुन्नू जो है भाई नागिन डांस करने लग रहे थे, तो इनकी तो पेटी चमका दी। लेकिन भाई यहाँ पर ना इनका एक रिश्तेदार और था, जो कि भाई ऊपर छत पर जाकर बैठ गया था भाई। बोलो पेटी चमकाने वाले बाबा की जय। अभी ये वाली टीम तो भाई इरेंगल छोड़कर जा चुकी थी भाई, तो ये चारों के चारों हमारे हाथों ही टपक गए। अब मैं इसे लूटने के लिए ऊपर आता हूँ, तो ये बोटनी की बुआ का लड़का भाई यहाँ पर घास में नाक बनकर लेटा होगा भाई पहले, जो भी है ये भी कैंपिंग करने लग गए होंगे भाई आजकल, तो इसको भी टपका देता हूँ। अब इस साइड जो है पहले लठ बजा हुआ था कुछ बंदों का, तो यहीं पर आता हूँ। लेकिन भाई दिलचोर भाई बोलते हैं कि पीछे से जो है किसी बंदे के मटकने की आवाज आने लग रही है, तो मैं सोचता हूँ कि पहले इसी को टपका लेते हैं भाई, कहीं ये बाद में परेशान करे। हेलो बोटनी, कैसी हो? अब ऐसे तो भाई ये बोटनी थी, लेकिन भाई इसको भी हम दोनों मिलकर टपका देते हैं भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, ये कोई भी हो सकता है।
और अब आपको भाई 800-900 हजार किलो में जाने वाला भाई ये वाला नजारा देखकर, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ऊपर से जो भाई एक बंदे के मटकने की आवाज आने लग रही थी, तो मैं यहां पर पहले मोली फेंकता हूं। भाई जब यहाँ तक आ ही गए हो तो फट जाओ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई, ऐसा क्या गुनाह किया कि जो लुट गए, हाय लुट गए पेटिया चमकाने की मोहब्बत में। अब यहाँ पर भाई एक बार तो हमें समझ में ही नहीं आया कि भाई हंसे या रोने लग जाए भाई, तो इसका ये टीममेट ना बहुत ही खतरनाक वाला कैंपर था भाई, जिसका हमने किल चोरी किया था। जब हम इसके टीममेट पर पुश कर रहे थे भाई, तो हिला तक नहीं भाई, वो वहीं पर लेटा रहा और ना उसके सुतली बम कुक करने की आवाज आई भाई, तो इसने बिल्कुल कुक करके फेंका भाई वहां से। और हमारे पास में आते ही ये बोला कि मैं फट जाऊं, तो मैं बोला कि भाई फट जा, तो भाई वो फट गया और हमारे दोनों की पेटी चमक गई। वैसे भाई इसने अपने टीममेट को भी उड़ा दिया, मतलब कैसे कैसे बंदे होते हैं यार, गजब है भाई। भाग्य से भाई थोड़ा दूर रहकर हम जब बात करेंगे, मुझे तो लगा था कि भैया अकेला बंदा, जब किसी की आवाज ही नहीं आई तो भाई यहाँ पर हमारे साथ धोखा हो गया। वैसे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको 800-900 हजार किलो मजा आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तबाही।